हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम एम एस एक्सेल में कैसे, अगर हमें कोई भी, जैसे हमारा अटेंडेंस शीट होती है फ्रेंड्स, अटेंडेंस शीट में हमें ए लगाना है तो अलग कलर आ जाए, पी प्रेजेंट करना है तो अलग कलर आ जाए, प्रेजेंट के लिए अलग कलर हो और अब्सेंट के लिए अलग कलर हो और ओटी के लिए अलग कलर हो और ऑल के लिए अलग कलर हो, जो हम जो भी देना चाहते हैं फ्रेंड्स, ए दें, बी दें, सी दें, जो भी वर्ड देना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, अगर हम वहाँ पास कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमें पी लिखना है तो पी का अलग से कलर आए, ए लिखना है तो ए का अलग से कलर आए, वो डिफ़ॉल्ट सेट कैसे होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। चलिए, जैसे कि आप डिस्प्ले पे हैं, आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा, इसमें मैंने लगा के रखा है, मैंने अभी यहाँ पी लिखा हुआ, मैं ए लिखूंगा जैसे ही तो यहाँ रेड कलर आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ओ टी लिखता हूँ, यहाँ मान लीजिए अभी पी लिखा हुआ है, ओ टी लिखता हूँ, ओ टी यहाँ पास देखिएगा, ओ टी ये लिख दिया मैंने तो ये अलग कलर आ गया। यहाँ भी मैंने अगर अब यहीं पर पी लिखता हूँ अगर, तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया कलर, ए की जगह मैं ओ टी लिखता हूँ, ये इसका अलग कलर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ के लिए मैं आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करना है, कैसे इसके सेट करना है, ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ, आपको एक नया सेल ले लेता हूँ, यहाँ पास एक नया सेल ले लिया मैंने, इतना छोटा सा, ज़्यादा नहीं लेता। ओके, आप कुछ सेल भी बनाना सीख जाएंगे आप कैसे इसको करते हैं। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पास बड़े कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यानी क्योंकि छोटों में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहाँ पास लार्ज कर देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, इधर लगा लेता हूँ मैं, क्या लिखना मुझे इधर, पी लिखना, कुछ भी लिखना। चलिए तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे होम पेज में, होम पेज में जाने के बाद कहाँ आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ओके, इसमें क्लिक करेंगे, ये आएंगे इधर हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे मोर रूल्स में। ओके फ्रेंड्स, मोर रूल्स पे आएंगे तो इधर ये इधर क्या लिखा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, तो इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद में आएंगे कहाँ, सेल वैल्यू में, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे क्या, स्पेसिफिक टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हमको जो दर्शाना है, मतलब ए ए लिखना है अगर, ए के लिए कलर चेंज करना है तो ए लिखते हैं इधर। ठीक है, अब इधर कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हमको कलर कौन से देना, कौन सा देना है कलर, मान लीजिए हमें ए के लिए देना है अब्सेंट के लिए रेड कलर। ओके, और हमको फॉन्ट देना है क्या, ब्लैक में। ओके, फॉन्ट का जो कलर है ब्लैक आ जाए, तो जैसे कि आप लोग यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप इधर कि कैसा आएगा। ओके, ओके कर दिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इधर ए लिखता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। ओके, अब और लगा लेता हूँ क्या, इधर ये और लगा लेता हूँ क्या, पी के लिए, पी मतलब प्रेजेंट के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ओके, सब कहाँ जाएंगे हम, होम पे, होम पे जाने के बाद आएंगे कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें आएंगे हाईलाइट सेल्स रो में और सबसे नीचे आ जाएंगे मोर रूल्स में, इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद ओनली फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट में क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे कहाँ, सेल वैल्यू में, इधर स्पेसिफिक टेक्स्ट में करेंगे, इधर आ जाएंगे क्या, पी लिखना, पी के लिए करना है कलर तो पी लिखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ फॉन्ट का कलर देंगे ब्लैक, एंड फिल क्या करना है उसमें, तो प्रेजेंट के लिए हम ग्रीन कलर दे देते हैं। ओके, हम यहाँ क्या कर दिए, ग्रीन कलर कर दिए, इसका एग्जांपल आ गया कैसे शो करेगा। ओके, इधर ये कर दिए, अब मैं यहाँ अगर पी लिख देता हूँ तो देखिए कलर चेंज हो जाएगा, ये कलर चेंज हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब ये तो हो गया, अब ओ टी के लिए भी लगा लेते हैं, एक और चीज़ लगा लेते हैं, आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, इस ए की जगह पी, पी की जगह ए, या कि जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं फिर से होम में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे मोर रूल्स में आ जाएंगे, इसमें जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इसके बाद कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ओ टी लिखना है अगर, तो ओ टी पे लिख देंगे, इधर फॉर्मेट में जाएंगे, कोई फिल कर देंगे, कौन सा ओ टी के लिए आपको कौन सा कलर चाहिए, तो ओ टी के लिए मैं कलर ले लेता हूँ, मैं अपना जो आप लोगों को अच्छा लगे वो ले सकते हैं। चलिए मैं ये येलो ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद कहाँ जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट का कलर कौन सा चाहिए आपको, तो ब्लैक में ले लेता हूँ, तो ब्लैक ले लिया, ये इसका एग्जांपल आ गया, इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पास मैं क्या कर देता हूँ, अगर ओ टी लिख देता हूँ तो ये ओ टी का जो मैंने कलर सेट किया था ये अलग आ गया, जो आप कलर सेट करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं, जो नाम से दर्शाना चाहते हैं उसको वो कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसको सारों में कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें, ताकि ज़्यादा हो जाए और आप लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। तो चलिए मैं इसको ड्रैग करके जब प्लस का आइकन बन गया तो इसको इधर से इधर खसका दिया, सारे आ गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ओ टी लिखा हुआ सभी में। ओके, अब मैं कहीं भी लिखता हूँ ए तो देखिए कलर चेंज हो जाएगा, जो मैंने कलर लिया था वो कलर आ जाए, ये देखिए ए आ गया फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आप एम एस एक्सेल में काम करते हैं तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पी लिख देता हूँ, मान लीजिए पी अपना अलग कलर ले लिया फ्रेंड्स, इधर कहीं ए लिख देता हूँ तो ये अलग कलर ले लेगा। ओके,
कहीं भी ए लिख देता हूँ अलग कलर ले लेगा, पी लिख देता हूँ अलग कलर ले लेगा। देख लीजिए, पी लिख देता हूँ अलग कलर ले लिया, ये लिख दिया मैंने पी। ओटी लिखता हूँ, ओटी तो लिखा ऑलरेडी से। ओके, मैं कहीं अगर इसमें एक और, अगर आप यहाँ वो वैल्यू नहीं लिखते हैं जो वैल्यू हमारे पास आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने जो आपको जैसे कि मैंने इसमें नहीं किया है कि हमको नहीं चाहिए था क्या 10, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो देखिए अलग आ जाएगा ये कलर, क्योंकि हमको ये वर्ड हमने इसमें टाइप ही नहीं किया, ये कलर किया ही नहीं है, तो ये अलग कलर आ जाएगी, भैया हमने ये कलर नहीं किया है। ओके, इसकी जगह मैं पी लिख देता हूँ तो पी का अपना कलर दे देगा, ये पी अपना कलर दे दिया। ओके, यहाँ कहीं ए लिख दिया मैंने तो ए का कलर आ जाएगा कहीं भी। अब यहीं जैसे मैंने ए का कलर दिया ना, ए का कलर रेड दिया, अगर यहीं पास ए की जगह हम पी लिखना चाहते हो, देखिए कलर इधर कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए सारे, ये देखिए। अब इधर ही मैं अगर ओ टी लिखना चाहता हूँ, ओ टी लिख दिया, देखिएगा ओ टी कलर आ गया। इधर मैं ए लिखना चाहता हूँ पी की जगह, तो ये ए आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो है ना कमाल की चीज़ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पर आप देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को नेक्स्ट फ्रेंड भी आपका यूज कर सके। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए बाय।